मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे नागरिकता संशोधन बिल पर विपक्ष एकजुट हो गया है। कांग्रेस टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टी संसद और सड़क पर इसका विरोध कर रही है। गुरुवार को नागरिकता बिल के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने बैठक की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। विपक्ष का मानना है कि उनकी कोशिश सही परिप्रेक्ष्य में बातों को लोगों तक पहुंचाना होगा। गुरुवार को संसद भवन में विपक्ष की बैठक हुई, इसमें कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। टीएमसी की ओर से बैठक में डेरेक ओब्रायन शामिल हुए। गौरतलब है कि मोदी सरकार अगले हफ्ते इस बिल को लोकसभा में पेश कर सकती है।